ठीक हो गए तो समझ जी। अरशद भाई रेडी हैं आप जी? यार वहाँ से बना के ले। अच्छा भाई, हम कौन सी जगह पे रुके हैं जी? अम्बेरा। अम्बेरे में रुके हैं अरशद भाई, न्यू खान वाले से भी हैवी ड्राइविंग करते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा। जी भाई जान, सारे रेडी हो गए? हमारे से शीशा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, ऊपर नहीं जा रहा, अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं इसको ऐसे बंद करके। अब मेरी बात सुने, गवर्नमेंट का रेट है। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी नहीं है, सरकारी गाड़ी है। 10 बंदे बन रहे, 20 बंदे भरी में ग्रीन होटल की झूल रहे हैं। बहुत मेहरबानी, आप समझे, आपने हमें लिफ्ट दी थी। हाँ जी, कैसे लग रहे हैं मीन भाई? जिंदगी में पहली दफा ट्रैकिंग हो रही है। अरशद भाई, कैसा ऑपरेशन है, कैसी सेहत है? अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों से। और आपकी बॉडी तो माशाल्लाह पूरी हाइजेनिक बनी हुई है। आगे हो जाओ अरशद साहब, आप आगे बैठ जाए। नहीं, आप आगे जाना, मैं आप लोगों को जरा आप बैग ही पहना ना, फ्रंट पे चला जाए। एक मिनट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, पोटरा पोटरी है। अच्छा मेरी बात सुनो यार। हाँ। ओ खाली हाथ नहीं चढ़िया जा रहा किंदे करो। अच्छा, मॉडल टाउन में? हाँ जी, वो लिंक रोड। लिंक रोड, हाँ के ब्लॉक। और तुम तो मोहल्लेदार हो भाईजान। क्या नाम है घोड़े का? किरण। किरण, हेलो किरण। किरण आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा। हाँ जी, इस्लामाबाद हो गया ये। अरशद भाई ये बताएं कितने घंटे चल रही है? मेरा ख्याल है डेढ़ घंटा। जो टफ हाइट थी वो चल रही है। ये लाद देखे उमेर भाई के, अरशद भाई के मेरे। हाँ जी उमेर भाई, कुछ बताएं। बहुत टफ है जी। हाँ जी अरशद भाई, फूल वाले भाई कुछ बताएं इधर। हाँ जी, फूल वाला भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अरशद, और थ्रिल भी है। ये सही मतलब एडवेंचर है। हाँ, मतलब ऐसा एडवेंचर है कि जो अभी हमारे लिए नया है। नया नहीं है, लेकिन ये हमें चार्ज कर रहा है। हाँ जी, मुझे भी चार्ज कर रहा है। देखें कैसे तेज लेके जा रहा है ये इसको, घोड़े को, डेंजरस जगह पे। अरे फिलहाल देसी घोड़े बने पे हैं। मीर जानी साथ ही बस रह गया टॉप।
वाव देखें जी वो ब्यूटी सारी, ये मीर जाने टॉप है ऊपर, काफी फासला तय कर रहा हूं पर रास्ता तो अभी भी है। वो बात याद आ गई, फिर यूं हुआ कि हवा की उंगली पकड़कर इतना चला मैं के रास्ते भी हैरान रह गए। अर्शद भाई जिंदाबाद, क्या नाम है स्टॉप का? मीरल जानी टॉप के ऊपर आ गए हैं। अर्शद भाई का ऑपरेट हुआ मगर अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शद भाई कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ये चढ़ने में? हिम्मत कौन सी, खजूरें हैं या हिम्मत है? अच्छा क्या हाल है भाइयों, ठीक हो? और इसीलिए नहीं खाया, मुझे पता था मैं खा पी लेता तो मैंने खुश हो जाना था। खुश हो जाना था। ये कौन सी जगह इधर को जा रही है नीचे? डगरी बंगला जा रहा है। डगरी बंगला। और ये भजन ठरकी बंगला, ठरकी बंगला सारा होते ठरकी आंदे ने ठरकी चौक। सर फूल तो बड़े प्यारे लगाए हुए हैं। गुड मॉर्निंग। एक लगाए के दो रखे हुए। उधर का कहां गया? ये भाई भी मॉडल टाउन में होते हैं। हाथ हिला दें। पकौड़े लेके आए, मैं इधर थोड़ा सा आराम करूं। ओके ये हम लोग जो हैं वो मीर जानी टॉप के ऊपर आ गए हैं बिल्कुल। ये जो रास्ता पीछे से आ रहा है ये हम लोग नीचे से आ रहे हैं और ये मीर जानी टॉप है। ये ऊपर भी थोड़ा सा रास्ता जा रहा है और इसके अलावा अगर आप इस ट्रैक पे इस तरफ को मज़ीद कोई 3.5 से 4 घंटे चलते हैं तो डगरी बंगला आ जाता है जो कि 1820 में बना हुआ है ब्रिटिश दौर के अंदर। ये वो चौक है। इस तरफ से अगर आप आएँ तो नथिया गली वाली साइड एबटाबाद वाली साइड है। ये ऊपर को छोटा सा एक टॉप बना हुआ है, कुछ खाने की चीज़ें हैं। ये ट्रैक प्रॉपरली थोड़ा सा डाउन भी है और डगरी बंगले को जा रहा है।